हमने अभी पहले वीडियो में देखा कि किस तरीके से जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ जो है, जो कि एक दूसरे के दुश्मन थे, वो नो मैन्स लैंड में बैठकर एक साथ वो और उनकी जो सेना थी सब क्रिसमस को एंजॉय कर रहे थे। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तभी पता नहीं उनमें से कौन एक जो है फुटबॉल ले आया। अब सारे के सारे जो बड़े बड़े कोच थे उनको जो है एक ढेर बना दिया गया ताकि गोल पोस्ट बनाया जा सके। और उसके बाद क्या हुआ, टॉमी अगेंस्ट फ्रिज हो गया, यानी कि टॉमी वर्सेस फ्रिज हो गया बीचों बीच जो नो मैन्स लैंड था उसमें, यानी खाली मैदान में युद्ध हो रहा है और वहां पर अभी क्या हो रहा है कि लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। हैंस वुल्फ और मैं खूब मैच को देख रहे थे, सबको जो है उत्साहित कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, अपने पैर पटक रहे थे और ताकि इससे जो है हमारी सर्दी भी दूर हो सके। ऐसा लग रहा था जैसे मानो एक लम्हा वो आ गया था कि हमारी सांसें जो है वो भी हमारी जो जैसे हवा में सांसें भी घुल रही हैं, एक साथ मिल रही हैं। उसने भी देखा और मुस्कुराया, फिर उसने कहा, जिम मैकफर्सन, ऐसा लगता है जैसे हमें ऐसे ही अपने ये जो युद्ध है इसको भी खत्म कर देना चाहिए, एक बिल्कुल फुटबॉल मैच के जैसे, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, ना कोई बच्चे अनाथ होते हैं, ना कोई जो वाइफ्स है वो विडो होती है। तो मैंने कहा मैं इसमें क्रिकेट प्रेफर करूंगा और उसमें जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो पक्का जीतेंगे। फिर हम लोग उस पर हंस पड़े और हम लोगों ने फिर दोनों ने मिल के साथ में उस गेम को देखा। दुखद बात यह है कोनी कि जर्मन सोल्जर्स जीत गए, उन्होंने 2 गोल कर दिए और हमारी सेना सिर्फ 1 गोल कर पाई। पर जो हैंस वुल्फ थे उन्होंने कहा कि हमारा जो गोल है वो कहीं ज्यादा बड़ा था उनके मुकाबले, इसलिए ये सही नहीं रहा। अब समय आ चुका था कि जो खेल था वो समाप्त हो चुका था, जो ड्रिंक्स थी, जो स्नैक्स थे, वो सब अब फिनिश हो चुके थे, सब कुछ फिनिश हो चुका था। मैं जो हूँ कहना चाहता था कि हैंसवेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाओ, लड़ाई यही खत्म हो जाए और हम सब घर चले जाए, जैसा मुझे उम्मीद है हर सोल्जर चाहता है दोनों तरफ से। फिर हैंसवेल ने कहा, अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन, और मैं उस लम्हे को कभी नहीं भूलूंगा, ना मैं ना तुम। फिर उसने मुझे सलाम किया और धीरे धीरे वहां से बिना मन के, जैसे कहते हैं ना, अनमने मन से वहां से चला गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। वो एक बार मुड़ा, हाथ हिलाया और फिर उन्हीं ग्रे कोट मैन वालों में से एक बन गया और अपनी जाकर ट्रेंच में बैठ गए। उस रात हम लोग जो है उस जो गड्ढों में बैठे हुए थे, तभी हमें कैरल गाने की आवाज सुनाई दी और वो बहुत ही सुंदर तरीके से उस कैरल को गा रहे थे। ये गाना जो गा रहे थे वो साइलेंट नाइट था। हमारे जो लोग थे, मतलब जो हमारी सेना की तरफ से जो लड़के थे, उन्होंने भी कोरस देने के लिए गाना जो है शुरू कर दिया और वो वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड वाला कोरस देने लग गए। फिर हमने एक दूसरे से अपने कैरल्स एक्सचेंज किए, फिर हम सब चुप हो गए। एक अच्छा समय गुजरा, शांति का, अच्छे भाव का, एक ऐसा समय जिसे शायद मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। कोनी, अगले क्रिसमस को, यानी जब अगले साल क्रिसमस आएगा, तो ये जो वॉर है ये कुछ नहीं रह जाएगा बल्कि एक भयानक मेमोरी बन के रह जाएगी। पर जो आज कुछ हुआ उससे एक चीज का तो एहसास हो गया कि दोनों सेना जो है वो शांति चाहती है। हम फिर दोबारा जल्द ही मिलेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारा प्यारा जिम। मैंने जो है वो लेटर पढ़ने के बाद उसको दोबारा मोड़ा और फिर उसी लिफाफे में रख दिया। पूरी रात मैं जगता रहा, पर सुबह मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं ब्रिटपोर्ट गया जो वहां से कुछ ही मील की दूरी पर था। मैंने वहां एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था कि कॉपर बीचेस कहाँ है और हाउस नंबर 12 कैसे कहाँ है। जब मैंने वहां जाकर देखा तो जो हाउस नंबर 12 था वो कुछ नहीं था बल्कि एक जला हुआ मकान था, जिसमें जो छत है उसमें गैप हो रखा था, जो खिड़कियां थी वो भी जो है लकड़ी के लट्ठों से कवर कर रखी थी। मैंने उसके जो बगल के घर का दरवाजा था उसको खटखटाया और उनसे पूछा कि कोई मिस मैकफर्सन के बारे में कुछ जानता है। तभी एक बूढ़ा सा आदमी अपनी चप्पल पहन के आया और उसने कहा कि हाँ, वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा वो बहुत ही अच्छी
एक बुजुर्ग महिला है, थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है, पर उनकी जो उम्र है उस हिसाब से ऐसी हो सकती है। लगभग 101 साल की है। वो इसी घर में थी जब आग लगी थी। कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, पर शायद जो मोमबत्ती है उसकी वजह से लग गई थी। वो ज्यादातर बिजली की जगह कैंडल्स को प्रेफर करती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली है वो काफी महंगी है। लेकिन ये अच्छी बात थी कि जो आग बुझाने वाले हैं वो बिल्कुल समय पर आ गए। अभी वो शायद नर्सिंग होम में है, जैसा मुझे बताया गया, बर्लिंगटन हाउस में, जो कि डॉरचेस्टर रोड पे है, इस शहर के दूसरी तरफ। मेरे को फिर वो जो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम था वो आसानी से मिल गया। पूरा जो हॉल का रास्ता था उसमें पेपर से चेन बनाई हुई थी और एक क्रिसमस ट्री जो है उसको पूरा अच्छे से सजा के कॉर्नर में खड़ा किया गया था, जिसपे एक एंजल को लगाया गया था। मैंने कहा, मैं एक दोस्त हूँ जो मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। मैं देख सकता था कि डाइनिंग रूम में जहाँ हर कोई जो है एक पेपर से बनी हुई हैट पहने था और गाना गा रहा था। जो मेट्रन थी वहां की, उन्होंने भी हैट लगा रखा था और काफी खुश हुई मेरे को देखकर। उन्होंने मेरे को एक मिंस पाई जो होती है वो भी ऑफर करी, जो पाई होती है खाने के लिए वो भी ऑफर करी। फिर वो मेरे को जो है कॉरिडोर में ले गई। उन्होंने कहा, मिस मैकफर्सन जो है यहाँ पर सब लोगों के साथ नहीं है। वो थोड़ी सी आज कंफ्यूज सी लग रही थी, तो हमने सोचा कि ज्यादा अच्छा है कि वो आराम करे। आप जानते ही हैं, उनकी कोई फैमिली तो है नहीं, ना उनसे कोई मिलने आता है। आपको देखकर वो शायद बहुत खुश होंगी। फिर वो मेरे को जो है एक ग्रीन हाउस में ले गई, जहां पर चेयर्स थी और कुछ जो है वो थे, पेड़ पौधे लगे हुए थे चारों तरफ, और मुझे फिर छोड़कर वहां चली गई। वहां पर एक बूढ़ी सी महिला जो है व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, जिसके हाथ जो है उनके आगे पैरों पे रखे हुए थे मोड़ के, जैसे होते ना हाथ बांध के बैठे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। बाल उनके बिल्कुल चांदी जैसे सफेद हो रहे थे और बहुत अच्छे से उन्होंने जुड़ा बनाया हुआ था। बस वो जो है उस बगीचे की तरफ देख रही थी। मैंने उनसे हेलो किया, वो मुड़ी और मेरी तरफ जैसे बड़े सूनेपन से देखने लग गई। मैंने कहा, हैप्पी क्रिसमस कोनी, और मैं बोलने लग गया, मेरे को ये मिला है, देखो ये शायद आपका है। जब मैं बात कर रहा था तो उनकी आंखें जैसे मेरे चेहरे की तरफ ही टिकटिकी लगाई हुई थी, हटी नहीं रही थी। मैंने वो टिन का बॉक्स खोला और उनको दे दिया। उस वक्त उनकी जो आंखें थी वो जैसे उसको पहचान कर एकदम से चमक उठी, और जैसे उनके चेहरे पे एक अजब सी खुशी सी आ गई। मैंने उनको डेस्क के बारे में बताया और बोला कि किस तरीके से मुझे ये मिला है, पर मुझे नहीं पता कि वो मुझे सुन रही थी। उसके बाद वो कुछ नहीं बोली, बस जैसे होता है ना, लेटर को अपने हाथों की उंगलियों में बस पकड़ लिया उन्होंने। उन्हें जैसे तैसे हाथ बाहर निकाल के मेरा हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे। तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर जरूर आओगी, और देखो तुम आ गए। ये सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है दुनिया का। पास आओ जिम, बैठ जाओ। मैं जो हूं उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरे गाल पर किस किया। मैं तुम्हारे लेटर को हमेशा पढ़ती रहती थी जिम, हर दिन पढ़ती थी। मैं तुम्हारे आवाज को अपने अंदर महसूस करना चाहती थी। ऐसा लगता था जैसे मानो हमेशा तुम मेरे साथ हो, और देखो आज तुम मेरे पास हो। क्योंकि आज तुम खुद वापस आ गए हो, तो तुम अपना लेटर मेरे को खुद पढ़ के सुना दो। क्या तुम मेरे लिए करोगे जिम डियर? मैं तुम्हारी एक बार आवाज सुनना चाहती हूँ। मेरे को तुम्हारी उस आवाज से बहुत प्रेम है। और फिर उसके बाद हम सब चाय पियेंगे। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, जिसके ऊपर मार्जिपान लगाया है। मुझे पता है कि तुम कितना मार्जिपान को लाइक करते हो। ये थी हमारी स्टोरी। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल आसा एजुकेशन। बाय।